में रहने लगा। बिहार में हमारे जमाने तक ब्रेड उरेड का कंसेप्ट ये था कि बीमार लोग खाते हैं, बुखार उखार लगा हुआ जिसको, मतलब हम भी बीमार पड़े थे ब्रेड मिल जाता। ब्रेड उरेड का नाम हम लोग के यहाँ अभी भी बहुत बढ़िया सा नहीं मिलता है, एक दो दुकान में शायद मिलता है ब्रेड। तो हम देखे तो मेस में गए नाश्ते करने के लिए, सब देखा ब्रेड अंडा क्या क्या लंथन। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में या हॉस्टल में या मुझे पता नहीं चल रहा। फिर मैनेजर साहब के पास मैं गया कि मैंने कहा कि नाश्ता वास्ता नहीं है कुछ, क्या हम लोग रोटी भाजी खाने वाला आदमी भाई, सबसे कहाँ साला ब्रेड उरेड से पेट भरेगा क्या। तो मैंने कहा कि नाश्ता क्या है, तो बोले जी नाश्ता ही तो है। तो बोला नहीं रोटी वोटी कुछ नहीं है। तो बोला बिहार से होगा। बोला हाँ यार आए तो बिहार से थे, ब्रेड उरेड देख के थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो झल में मतलब है कि विचित्र तरह के चाट जो है ना पैदा हुए और जरासीम बन के पूरे कैंपस में फैल गया। ये जो है ना बैक्टीरिया बहुत खराब है झेलम वालों। झेलम लगभग जो कुछ नए गेस्ट झेलम जाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं यार कितना गंदा हॉस्टल में रहते हो, मगर झेलम वालों को सिंगल रूम कयामत तक नहीं मिलेगा तब पर भी झेलम नहीं छोड़ेगा। तो दो तीन साल झेलम में रहे, चटे चाटते रहे, गाने गाते रहे। इधर से फिर हमने कहा कि चारों तरफ बॉर्डर छान देते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट साबरमती फरलांग लगा दिए। साबरमती से फिर हम कावेरी आ गए, कावेरी से सीधे ब्याह करके महानदी चल गए। तो जेएनयू का तकरीबन बहुत खूबसूरत सफर रहा है मेरा, इसीलिए मैं जेएनयू के सफर के साथ नहीं थकता। फिर तो वो शेर कहता हूँ, ये जेएनयू के लिए भी कभी थकन के असर का पता नहीं चलता, तुम साथ हो तो सफर का पता नहीं चलता। और मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता, मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता कि दरिया शोर करता है, समंदर कुछ नहीं कहता। दरिया शोर करता है, समंदर कुछ नहीं कहता, और मेरे दिल से मेरे चेहरे का रिश्ता खूब है, लेकिन ये अंदर कुछ नहीं कहता, ये बाहर कुछ नहीं कहता। कभी हाँ तो उठवाओ ना यार, कहाँ गए सिपाही लोग। ये चांद के सम्मान पर है बस। अरे मामू के मामी कैसे मिली, ये तो बड़ा इतना आदमी के सामने राज खुलवा रहे हो मामी। अरे अंदर की बात है यार, कुछ रहने दो बुढ़ापे में, मालूम हुआ कि सलाम बुढ़ापे में झूठ का बड़ा ना हो जाए। शेर सुनो ना, शेर सुनाता हूँ। एक बहुत खूबसूरत शेर सुना रहा हूँ, उसके बाद सुनाऊंगा मामी वाली कहानी। यार एमफिल के जमाने में थे, कुछ पैसे उसे की जरूरत पड़ती थी तो कुछ सर्वे वर्वे करने के लिए नोटिस वोटिस जेएनयू में लग जाती थी। उस वक्त इलेक्शन के सर्वे के लिए नोटिस लगी थी, उसमें लिखा हुआ था कि 300 रुपया रोज मिलेगा दिहाड़ी और रहने सहने, और उसका भी पैसा अलग से मिलेगा। तो मैंने कहा चलो यार एक दो महीना का मेस बिल, हम लोग के लिए मुश्किल क्या था, मेस बिल भरना। मेस बिल के लिए हम कहा कि चलते हैं भाई सीएसडीएस की तरफ से। उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही थी मोना गुप्ता जो मेरी बीवी है। आप जाके मेरी बीवी को कल मत सुना देना कि मामी सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, ये राज की बात यहीं तक रहेगी। ढाबे पे भी कोई कंसेप्ट है भाई, हम कहोगे तुम भैया तो जाएंगे ना, तो फिर हम फिर क्या कहते थे क्या सुनाते थे सब बता देते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, तुम लोग हो यहाँ पर, आज सुन लो। अब देखो बोलना बहुत हो गया, चला काका सुने करे तो कहा करे रे गाना का भी रोवे। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है। मामू भी बूढ़ा होगा, जवान था चला जाएगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो मामू का भी वक्त है अब, पहले अरे कोई बोल रहा कहानियां सुनेगा, शॉर्टकट में सुना रहे थे मामी मिली कैसे कैसे हम फंस गए कैसे चला गिरे। अरे तू बुड़बक कहीं का, लूडो खेलते थे बच्चे में सांप और सीढ़ी वाला याद है ना, एक 99 वाला सांप था काटता था सीधे 0 पे चलाता था। हमारे टोटल जिंदगी में मामिया वही 99 वाला सांप है समझ लो।
शायद उसका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए मम्मी आप बदल जाएगी है। जब ढाबा पर पहुंची थी किचन करके हमको लात मार के भगा देगी बाहर से, सब कुछ कर करा के रखेंगे हम बना के।